हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन में देखा था हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर था, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडियो एक्टिविटी के लॉ ऑफ ग्रोथ एंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी किसी भी फैम कर्व की कैसे निकालते हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे। कल आपको याद है कि मैंने पढ़ाया था आपको किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें क्या करना है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, अगर उसका हमें क्या करना होता है, डिग्री आपकी क्या थी, 1 थी, तो उसका हमें क्या करना था। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो कंप्लीट सॉल्यूशन के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा पार्ट था पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब निकलता है वो डिपेंड करता है आपका रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता था, आपको क्या करना था, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी थी, राइट। सबसे पहले आप क्या करना थी, हाउ टू मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कल मैंने लिखवाया भी था उसको, पॉइंट्स के फॉर्म में मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। तो हाउ टू मेक एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाउ टू मेक एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाउ टू मेक एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो भी उसमें इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि आपका dy by dx में y है, उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है 1 से। सो बेसिकली सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ऑब्टेन की जाती है जब कोफिशियंट ऑफ y को हम क्या करें, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें और इक्वल टू 0 करके, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। सो इक्वेशन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक कोफिशिएंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप सबसे पहले उसमें क्या करते थे, अगर आपको याद है कल जो मैंने कराया था लास्ट में, उसी का एक शॉर्ट रिकैप भी करा रहा हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप क्या था, रिप्लेस वाई इक्वल टू 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू को 1 के बराबर पुट अप करना है। उसके बाद जितने भी डिफरेंशियल कोफिशियंट्स हैं, जैसे कि dy by dx है, उसको m से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस dy by dx इक्वल टू m। सिमिलरली d2y by dx स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। dqy by dx क्यूब अगर क्वेश्चन में आया तो वो क्या हो जाएगा आपका, m क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह dny अपॉन में dx की पावर n क्या हो जाएगा, m की पावर n हो जाएगा। सो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी वो चेंज हो जाएगी आपके किसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, बाय दिस प्रोसेस द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन चेंजेस टू एन डिग्री ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्योंकि जितना बड़ा डिफरेंशियल कोफिशियंट होगा उतने डिग्री की इक्वेशन बन के आएगी आपकी ऑक्सिलरी। क्योंकि अगर मान लेते हैं dy by dx क्यूब होगा तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डिग्री क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। फोर्थ होगा तो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी, वो आपको देखना पड़ेगा, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन बनेगी। सो इसीलिए मैंने लिखा nth डिग्री की आपको इक्वेशन वहां पे मिल जाएगी। तो कल हमने देखा था, इसी के साथ हमने देखा था कल की क्लास में, अगर आपको याद हो कल की क्लास को, अगर मैं एक बार एक शॉर्ट रिकैप में जाऊं जिससे आपको एक रिकैप भी हो जाए, रिकॉल कर सको। सो लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि अगर पीआई की वैल्यू 0 के बराबर होती है, क्या होती है, अगर पीआई की वैल्यू क्या होती है, अगर 0 के बराबर होती है तो हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सीएफ के बराबर होगा। वहीं अगर पीआई क्या होगा आपका, एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो उस केस में पीआई क्या एग्जिस्ट करता है, तो जनरल सोल्यूशन सीएफ प्लस पीआई होता है। अब सीएफ निकालने के लिए हमारे पास 3 केसेस थे। पहला केस क्या था, पहला केस था आपका कि अगर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन जो अभी हमने निकाली वो क्या हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, उस केस में हमका सीएफ की वैल्यू क्या होती है, सी1
की पावर M1X प्लस C2 e की पावर M2X प्लस C3 e की पावर M3X। सिमिलरली अगर सपोज करते हैं आपके पास रूट्स कैसे हो, रियल तो हो बट क्या हो, रिपीटिटिव हो, जैसे कि M1 M1, तो उस केस में आपका CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2X प्लस e की पावर M1X। मान लीजिए अगर आपका रूट कुछ ऐसा हो M1 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 चार बार आपका M1 आ गया, मतलब कि आपकी फोर्थ डिग्री की इक्वेशन थी, सो CF क्या हो गया, C1 प्लस C2X प्लस C3X स्क्वायर प्लस C4X क्यूब e की पावर M1X। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ तो बार बार मैं बोल रहा हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, लीनियर डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ ऑर्डर क्या है उसका, एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो सिमिलरली अगर सपोज करते हैं आपके पास क्या हो, पहला और दूसरा लॉ अगर मैं कंबाइन कर दूँ, जैसे मान लेते हैं आपके पास M1 M1 हो और M2 M2 हो, तो M1 M1 क्या है, रिपीटिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वो लगा दी। फिर M2 क्या है, आपका एक डिस्टिंक्ट रूट हो गया, उसके लिए एक अलग रूट लगा दी, इसलिए क्या हो गया आपका CF C1 प्लस C2X प्लस e की पावर M1X प्लस C3 प्लस C4X प्लस e की पावर M2X। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे क्या है, तीन रूट सेम है एक अलग है, तो तीन रूट सेम है तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2X प्लस C3X स्क्वायर इंटू e की पावर M1X प्लस इसके लिए C4 e की पावर M2X। आप सपोज करते हैं मान लेते हैं आपके रूट कैसा हो, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, जैसे कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो जो रियल रूट होगा वो e के साथ आएगा, जो इमेजिनरी रूट होगा उसको आप क्या करना होगा, कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके ऊपर हमने कल बेसिक से एग्जाम्पल्स भी करके कुछ देखे थे, तो उसमें कल की जो हमने क्लास की थी उसके अंदर हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें हमने देखा था कि रूट्स निकालना क्या था, बहुत ईजी था। बट सपोज करते हैं अगर आपका रूट्स निकालना ईजी ना हो, तब उस केस में हम कैसे उन ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स को निकालेंगे। सो मैं लिखता हूँ, और मैंने मेथड का नाम भी अगर आपको याद हो, कल मैंने लास्ट में एक मेथड का नाम भी बताया था, रिज हार्नर्स सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो बेसिकली फॉर्म आपका इक्वेशन है, मेथड है, प्रोसीजर प्रोसीजर 2 फाइंड द रूट्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको रूट्स निकालना है। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट्स हम निकालेंगे कैसे, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, एक चीज यहाँ पे जो भी कंडीशन में बताने वाला हूँ उस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान क्या रखनी है, कि ये मेथड तभी काम करेगा जब कम से कम हर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई उसमें कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रियल रूट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे इमेजिनरी रूट हो। अगर सारे के सारे इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उस केस में आपका ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये मेथड कभी यूज करना है आपको, कि कम से कम एक रियल रूट तो एग्जिस्ट कर ही रहा हो। तो स्टेप वन है आपका, जो भी आपको क्वेश्चन जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहला स्टेप होगा आपका स्टेप वन होगा एवरी एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव या मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन रियल रूट। कम से कम एक रियल रूट तो होना ही चाहिए। जब आपको ये मिल जाता है उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से टर्म्स है, जो भी आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म्स है, या फिर ये कहें कि जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशंस की कोफिशिएंट्स है उनका सम करके देखना होगा। अगर उनका सम इक्वल टू जीरो आता है, जो भी कोफिशिएंट का सम है अगर वो जीरो आता है, तो हम कहेंगे क्या, M-1 उसका क्या है, एक फैक्टर है। इसका मतलब एक रूट क्या हो गया, M=1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगला स्टेप होगा स्टेप 2, आपको क्या करना है, अपने कोफिशिएंट्स के सम को, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन से कोफिशिएंट को क्या करना है, सम करना है। तो इफ द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज जीरो, देन M-1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो भी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास है उसका क्या हो जाएगा, वही उसका ये M-1 एक क्या होगा, एक तरह से आपका एक फैक्टर बन जाएगा, मतलब M=1 आपका क्या होगा, एक रूट बन जाएगा। क्लियर है चीज, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सपोज करते हैं मान लेते हैं ऐसा ना हो, बट क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने जो इवन पावर, जैसे M² होगा, M^4 होगा, तो इवन पावर के कोफिशिएंट को आपने जोड़ा और ऑड पावर के कोफिशिएंट को आपने जोड़ा, इन सभी के कोफिशिएंट को जोड़ने के बाद अगर आप देखते हो कि दोनों की दोनों पावर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर एंड ऑड पावर दोनों की दोनों क्या है, बराबर है, उस केस में M+1 आपका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। मैं लिख देता हूं,
स्टेप थ्री, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इवन पावर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑड पावर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन देन एम प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो भी आपको गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसका क्या होगा, वो एक क्लियर है चीज, समझ में आया। चलिए अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, फाइंड द सी एफ ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है आपको डी क्यूब माइनस 3D प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, मैंने क्या दिखाया आपको, जहां जहां डी है वहां वहां एम, जहां डी स्क्वायर है वहां पे एम स्क्वायर, जहां डी क्यूब है वहां एम क्यूब, और y की वैल्यू क्या करनी है आपको, 1 के बराबर। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एम क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ और इसको आप लिख सकते हो एम क्यूब माइनस सॉरी प्लस 0m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब आप क्या करो, सम ऑफ कोफिशियंट्स करो जरा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। सबसे पहला दूसरा स्टेप आपका यही था, चलिए चेक कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। सो अगर देखें यहाँ पे हो गया 1 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एम माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और एम इक्वल टू 1 इज द रूट। अब देखिए एक रूट आपका क्या आ गया, रियल आ गया, तो आप ये मेथड आप काम कर सकते हैं, एम इक्वल टू 1 एक रूट। अब देखिए एक तरीका होता, आप एम माइनस 1 यहाँ पर रखते, फिर इस इक्वेशन को डिवाइड करते और आप अपना सोल्यूशन निकालते, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूज करोगे, मेथड का नाम है हार्नर सिंथेटिक डिविजन मेथड, जो मैं नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ, हार्नर सिंथेटिक डिविजन मेथड। अब हार्नर सिंथेटिक डिविजन मेथड में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये जो भी कोफिशियंट दिए हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है इन देयर डिग्रीज। तो सबसे पहले एम क्यूब का कोफिशिएंट क्या है आपका 1, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, एम का कोफिशिएंट क्या है -3, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, फिर आपको ऐसे करके एक लाइनिंग बना लेंगे। इतना बनाने के बाद आपका पहला रूट क्या आया, एम इक्वल टू 1 आपका आया पहला, राइट। एम इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा उस केस में। सो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ दिए, तो 1 प्लस 0 आपका आ गया 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर 0 और प्लस 1 1, फिर 1 इंटू 1। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन वाला रिजल्ट आपको यहाँ पर लिखना है, फिर इसको इसको जोड़ना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये रिजल्ट आपको यहाँ पर लिखना है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1, यहाँ आ गया आपका माइनस ऑफ, यहाँ आ गया माइनस ऑफ 2, ठीक है। फिर 1 इंटू माइनस 2, ये हो गया आपका कितना, माइनस ऑफ 2। तो आप क्या देखोगे, अगर आपका रूट होगा तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 0 आएगा। अगर आप अपना सारा प्रोसेस सही कर रहे हो तो कांस्टेंट हर बार क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत।
अब जैसे ही ये वैल्यू आ गई, अब आपको देखना है अगला रूट, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 1 + 1 2, 2 - 2 0, इसका मतलब इसके लिए भी क्या है, m-1 एक फैक्टर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगले वाले के लिए भी m = 1 एक और फैक्टर है। अब m = 1 एक और फैक्टर है, m = 1 एक और फैक्टर है, तो बताइए यहाँ पे 1 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 0 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 * 1 यहाँ लिख देना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 * 1 2 * 1 2 * 1 आपका क्या होगा 2, फिर आप क्या करोगे 2 यहाँ लिख दोगे, -2 + 2 0। मैंने क्या कहा था, हर बार जब आप प्रोसेस आगे बढ़ाओगे तो आपका कोफिशिएंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, घटते जाना चाहिए। देखिए ये आपकी इक्वेशन क्या थी, ये एम क्यूब के फॉर्म में थी, फिर ये किस फॉर्म में आ गई आपकी, अब ये छोटी होती जा रही, छोटी हो जा रही है, ये एम स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, देखिए आपकी इक्वेशन बन के जो आई है बनी m² + m - 2, अभी ये एक और रिड्यूस हो गई, ये क्या बन गई आपकी m + 2। देखिए आपको अपने गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन के तीन में तीन रूट्स मिल गए, क्या क्या, -1 m - 1 into m + 2 = 0, दिस इंप्लाइज रूट्स आर m = 1 1 एंड -2। सो इस मेथड का जो नाम है, जो मैंने मेथड बताया, दिस मेथड से नोन एज आर्नास सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये मेथड का नाम क्या होता है आपका, आर्नास सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है, समझ में आया। अब आपका रूट आ गया, वो होगा तो सीएफ क्या हो जाएगा, दो रूट्स रिपीटिंग है, एक क्या है डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, कैसा मेथड लगेगा, सेकेंड वाले में एक टाइप मैंने बताया था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप इसके लिए आप लिखोगे पहले इसके रिपीटिंग के लिए क्या लिखोगे, c1 + c2x इंटू e की पावर m की वैल्यू कितनी है 1 है, तो e की पावर x प्लस अगला डिस्टिंक्ट रूट है तो c3 e की पावर -2x। तो देखा कितना सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ये चीज पता है तो आप इस तरीके से सी एफ और टी एफ अपने गिवन, सी एफ यही है आपका क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन। क्यों कंप्लीट सोल्यूशन यही होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या थी आपकी, 0 के बराबर, समझ में आया, क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसी के ऊपर देखते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिर्फ आपको सी एफ निकालना है, बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, तो d³ - 4d² + 5d - 2 whole into y = 0। सो बता दीजिए आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m³ - 4m² + 5m - 2 = 0 putting y = 1। नाउ आपको क्या करना है, कोफिशिएंट का सम देखना है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स आप देख लीजिए, 1 - 4 + 5 - 2 = 5 + 1 6 6 - 6 0, सो दिस इंप्लाइज m - 1 इज द फैक्टर। अब n-1 फैक्टर हो गया तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपका हार्डनर सिंथेटिक डिवीजन मेथड, क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट्स को लिख देना है, सो 1 यहाँ हो गया -4, फिर हो गया 5, फिर हो गया -2, राइट, फिर इस वाली लाइन को ऐसे कट कर लेना है कॉन्स्टेंट वाले टर्म को, और यहाँ पे आपको पहला फैक्टर है m = 1। अब यहाँ पे 0 रखोगे, ये डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर 1 * 1 1, -4 - -4 + 1 -3, -3 * 1 -3, 5 - 3 ये आ गया आपका 2, 2 * 1 2 - 2 0, सो हमारा मेथड सही चल रहा है। फिर आप क्या करोगे, सबकी इक्वेशन बन गई m², ये इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बन गया है हार्मोनिक सिंथेटिक डिवीजन में से, इक्वेशन है m² - 3m + 2 = 0, कोफिशिएंट वापस जुड़ के देखो 2 + 1 3 3 - 3 0, सो अगेन इसका रूट क्या होगा, m = 1 इसका एक रूट है, फिर m = 1 एक रूट हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 0, ये 0 आते ही क्या हो गया, चलिए सो 1 + 1 0 1 * 1 यहाँ पे आ गया 1, -3 + 1 -2, -2 * 1 -2 * 1 -2 * 1, देखिए क्या कर रहा है, -2, देखिए ये जोड़ा जा रहा है, फिर ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट यहाँ लिख दिया जा रहा है, फिर ये जोड़ा जा रहा है, फिर ये जो वैल्यू आई इससे मल्टीप्लाई की जा रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है यहाँ लिखी जा रही है, हो गया -2, तो ये हो गया 0। सो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, जरा देखिए अगली इक्वेशन जो बनी वो बनी यहाँ से, जो अगली इक्वेशन बनी वो आपकी बनी
कर्सर कहाँ गया हमारा? तो आपकी जो अगली क्वेश्चन बन रही है जरा देखिए, कर्सर नहीं दिखाई दे रहा मुझे जरा कर्सर। ठीक, सो आपकी ये वैल्यू हो गई m+2=0, सॉरी 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 सॉरी, सो आपकी जो रिड्यूस इक्वेशन हो गई होगी m-2=0, m-2, सो ये हो गई m-2=2। सो आपके गिवन इक्वेशन के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? आपके फैक्टर्स आ गए m-1, m-1, m-2 बराबर 0, तो इम्प्लाइज m=1, 1 × 2। तो सी एफ बता तो क्या हो जाएगा, सी एफ यहाँ से हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, c1+c2xe की पावर x, क्योंकि पहला दो रूट रिपीटिंग है, फिर अगला डिस्टिंक्ट है, तो c3e की पावर इज योर। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गेट 2005, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन था, क्वेश्चन था आशिक क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। द सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx² +2dy/dx +17y=0। आपको कुछ कंडीशंस भी दी है, y(0=1) एंड dy/dx(π/4=0) इन दी रेंज 0 से π/4 ओपन ब्रैकेट में इज गिवन बाय, आपको ऑप्शंस गिवन थे। पहला ऑप्शन है e^-x cos x + cos 4x + 1/4 sin 4x। ऑप्शन बी दिया है e^-x cos 4x - 1/4 sin 4x। ऑप्शन सी दिया है आपको e^-4x cos x - 1/4 sin x, एंड ऑप्शन डी गिवन है आपको e^-4x cos 4x - 1/4 sin 4x। सो दिस आर दी इक्वेशंस। चलिए आपको ऑप्शंस गिवन है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। सो अभी गिवन इक्वेशन क्या थी पहले तो ये थी, पहले इक्वेशन उतारा हमने d2y/dx² +2dy/dx + 17y=0। इसको पहले डी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, डी के फॉर्म में क्या हो जाएगा d² + 2d + 17, टोटल से वाई कॉमन, इट इज इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयर फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वही m² + 2m + 17 = 0। अच्छा, अब आपको ऑप्शंस को देख के ये तो समझ में आ गया कि आपके आंसर्स क्या हैं, इमेजिनरी रूट्स वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सीधे जा रहे रूल लगा देता हूँ। तो यहाँ m इक्वल टू क्या होगा, -2 + -b² मतलब 4 - 4ac, ac की वैल्यू कितनी है, a आपका 1 है और c आपका कितना है 17 है, सो 4ac आ गया आपका, राइट? सो 4 × 17 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 68। तो ये इट्स कम्स टू बी -68, -b + -b² - 4ac / 2 राइट? सो ए की वैल्यू आपकी 1 है। चलो देखिए क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है -2 + -√ ये कितना आ, देखिए जरा इसको मैं लिख दूं 64i/2
टू, तो इट इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ टू प्लस माइनस 8i, 8 64 एंड डिवाइडेड बाई टू, सो वैल्यू हो गई आपकी -1 प्लस माइनस 4i. सो अगर इमेजिनरी रूट आता तो आपका सी एफ क्या होता है बताइए. सी एफ होता है आपका उस केस में कंप्लीट सोल्यूशन, क्यों होगा सी एफ ही आपका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन भी है क्योंकि पी आई की वैल्यू 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड आपका 0 था. तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा जरा देखिए रहे हैं. कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा सी वन, सबसे पहले ई आएगा सी वन, ई की पावर क्या होगा आपका माइनस ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स. सी टू कॉस 4x प्लस सी थ्री साइन 4x. तो इसका मतलब क्या हो गया देखिए, आपका ये ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस 4x, ई की पावर माइनस 4x तो होगा ही नहीं. डायरेक्ट आंसर आपका तो यही आएगा सही, बस आपको यहाँ सी वन सी टू की वैल्यू निकाल के चेक करनी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ई की पावर माइनस एक्स का टर्मिनोलॉजी आ रही है. चलिए हम कंप्लीट सोल्यूशन में निकाले सी वन सी टू सी थ्री, उसने कंडीशन दे रखी है, बट गेट में आप डायो तो डायरेक्टली आप आंसर यहाँ से टिक कर सको कि ये आंसर आपका सही था क्योंकि आपने देखा कि बाकी थ्री ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे. सो कंडीशन क्या दी है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, पुट करिए व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन. चलिए एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, ये वन इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स सी वन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस जीरो आपका वन होता है प्लस सी थ्री, तो सी वन सी टू की वैल्यू आपको कितनी आ रही है सॉरी सॉरी मैंने सर एक चीज गड़बड़ लिख दी है, सॉरी सॉरी सॉल्यूशन क्या था, -1 प्लस माइनस 4i राइट, सॉल्यूशन से है ना -1 प्लस माइनस 4i, ठीक तो है राइट सही है. हाँ एक मिनट, अच्छा एक चीज जो थोड़ा सा शायद मैंने लास्ट क्लास में भी ऊपर पड़ी, यहाँ पे सी वन नहीं होता है, ये आपका होता है यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है, ये सी वन ये हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा आपका सी टू. तो अगर मैं पीछे वाले क्लास में भी जाऊँ उसको भी सही करा देता हूँ मैं आपका पीछे आगे, किधर गया, यहाँ पे भी आपका सी वन नहीं होगा फिर, कल मैंने यहाँ पे भी गलत दिया था ठीक है. वो फ्लो फ्लो में आपका सेम वही चीज चली गई सी वन प्लस सी टू, तो आप इक्वेशन में भी अगर आप चाहो तो सही कर सकते हो जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका सी वन नहीं आएगा, यहाँ पे भी आपका सी वन नहीं आएगा ठीक है, तब तो आप कुछ भी लिख सकते हो उससे कोई इशू. चलिए आपके क्वेश्चन पे आते हैं वापस, सो वैल्यू आ गई सी वन प्लस सी टू, सो देखिए जरा ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर 0 1 हो गया, सी वन क्रॉस 4 सी वन की वैल्यू तो आ गई आपकी 1, तो आपकी नई इक्वेशन आपकी क्या बन गई, वो बन गई ई की पावर माइनस एक्स कॉस 4x प्लस सी टू साइन 4x. अच्छा अगली कंडीशन उसने क्या दी है, अगली कंडीशन उसने दी है डीवाई बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई फोर, तो पहले डीवाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश निकाला है, वाई डैश क्या हो जाएगा आपका जरा देखिए, पहले तो ई की पावर माइनस एक्स कॉस 4x का डिफरेंशियल माइनस साइन 4x प्लस सी टू, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएट किया कॉस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 साइन 4x प्लस सी टू 4 C2 कॉस 4x राइट, ये होगा फिर प्लस क्योंकि यहाँ डिविजन रूल लगेगा, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स राइट, यही आएगा बिल्कुल. सो आपकी वैल्यू यहाँ से मिल रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये कॉस 4x ही रहेगा प्लस सी टू साइन 4x रहेगा. सो क्वेश्चन कहता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो राइट हैंड साइड आपका क्या होगा जीरो, ये होगा ई की पावर, मैं ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ अगर पूरे में से, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लो, चलो पहले कंडीशन ना लगा के मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन लगाने आपका पास फॉर्मूला लगाने के लिए ईजी रहेगा, वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स पूरे में से कॉमन, देखिए ई की पावर माइनस 4x पूरे में से कॉमन आप लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जरा देखिए, माइनस 4 है साइन 4x
और ये माइनस माइनस, एक काम करते हैं पहले कॉस को ले लेते हैं। आपके पास है कॉस 4x, मैं अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ आपको मिल रहा है 4c2, यहाँ से मिला आपको 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ देखिए प्लस की जगह माइनस ही रख लीजिए, साइन 4x कॉमन c2, और ये हो जाएगा आपका +4 क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है। ये आपकी क्वेश्चन आ गई, राइट। अब वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो, चलिए पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4, y इज इक्वल टू 0, चलिए पुट अप करिए, y इक्वल टू 0 पुट अप करिए, ये हो गया e रेज टू पावर माइनस पाई बाई 4 इन द ब्रैकेट cos पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, cos पाई इज -1, सो माइनस ऑफ 4c2 +1 हो गया यहाँ पे। और साइन पाई आपका क्या होता है, 0 होता है, साइन पाई आपका 0 हो जाएगा, तो टर्म ही पूरी खत्म हो गई। सो आपके पास टर्म बन रही है दैट इज और e रेज टू पावर माइनस पाई बाई, सॉरी वैल्यू मिल रही है, और यहाँ से देखिए ये आपको मिल रहा है क्या, ये आपको मिल क्या रहा है, ये आपको मिल रहा है, ये हो गया 0 इज इक्वल टू -4e की पावर -π/4c2 +e रेज टू पावर -π/4। सो ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई फोर आप इधर ले आई, तो ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4e रेज टू पावर -π/4c2, ई रेज पावर माइनस पाई बाई फोर से इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 4c2, दिस इम्प्लाइज c2 इज इक्वल टू 1/4। जरा देखिए आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट अप करोगे अपने वाली, तो क्या आंसर आ रही है जो हमने ऑलरेडी टिक किया था, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस 4x +1/4 साइन 4x, राइट। सो यही हमने पहले भी बोला था, क्योंकि बाकी इतनी ऑप्शन आपके सही नहीं हो रहे थे। सो करेक्ट आंसर इज, क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन को। हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सी की नहीं, यहाँ पे नहीं, सी इनके साथ ही सर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी क्लास का, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ, द जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये आपका गेट 2008 वन मार्क क्वेश्चन है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ d2y/dx² + y = 0 इज, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहला ए y इज इक्वल टू पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स, ऑप्शन बी दिया है आपको y इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी दिया है y इज इक्वल टू पी कॉस एक्स, एंड ऑप्शन सी दिया है y इज इक्वल टू पी साइन एक्स। लेकिन जैसे ही आपको एक दिखाई दिया, ये तो समझ में आ गया रूट्स आपके कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। चलिए कर देते हैं, तो d² + 1 * y = 0 और ऑग्जिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से, m² + 1 = 0, सो m इज इक्वल टू +-i, तो रियल टर्म तो जीरो है, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका c1e की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, फिर तो इसको तो आ जाएगा c1 की जगह वो पी क्यू ले रहा है, तो p cos x +q sin x, क्लियर है। देखिए फटाक से आंसर आ गया, सो ए इज द राइट आंसर, समझ में आया, क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2008 में वन मार्क क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन दिया है आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ 5th, गिवन दैट x" (+3x) = 0 एंड x(0) = 1, x.0 = 0, वॉट इज x(1)? ऑप्शन आपको गिवन है 0.99, -0.99, -0.16, 0.16। चलिए ये आपके क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है x" (+3x) = 0, चलिए इसका तो आपको सबसे पहले सोल्यूशन निकालना है, चलिए सोल्यूशन निकाल दें, कैसे निकलेगा सेम वही कहानी, तो
एक्सेबल डॉट कुछ और नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी होगी, फंक्शन क्या है वो वाई पे नहीं है, एक्स आपका यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्स किसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मान लेता हूँ एक्स किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, मान लीजिए टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सही हो जाएगा d2x by dt² + 3x = 0। सो और d² + 3 × x = 0, देयरफोर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, m² + 3 = 0। सो m = ±3i, अगेन रियल टर्म 0 है, 0 ± 3i है एक्चुअल में, ठीक है। सो आपका सोल्यूशन क्या होगा, अगर मैं जनरल सोल्यूशन लिखूं, जनरल सोल्यूशन आपका क्या होगा, क्योंकि pi 0 है, वो हो जाएगा x(t) = e^(0)1, हो जाएगा c1 cos(3x) + c2 sin(3x), राइट, यही होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जनरल सोल्यूशन हमारा आ गया, जनरल सोल्यूशन जैसे एक्स ऑफ टी आ गया हमारे पास, अब आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलिए जब जब टी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो व्हेन t = 0, x = 1 गिवन, लगा दीजिए अपनी इक्वेशन में, t = 0 रखेंगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये टर्म आपका सी वन आ जाएगा, सी वन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, देखिए 1 = c1। सो आपकी नई इक्वेशन क्या बन गई, देयर फोर x(t) = cos(3x) + c2 sin(3x)। चलिए अगली कंडीशन क्या दी है, x.0 = 0, इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएट मारना है। चलिए dx/dt निकाल दीजिए, तो dx/dt क्या हो जाएगा आपका, -3 sin(3x) + 3 c2 cos(3x)। अब कहता है जब x की वैल्यू 0 है, dx/dt भी 0 है, चलिए 0 लगा दिया, = अब आप ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 c2, c2 = what, 0 आ गया। सो आपकी जनरल कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन इज x = cos(3t). ये देखिए मैंने x लिख दिया यहाँ पे, 3t हो गए, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, सही है, ये थोड़ी सी हैबिट हो गई है बार बार x लिखने की, यहाँ पे भी t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का फंक्शन नहीं है, x आपका वहां पे डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। तो x = cos(3t) आ गया। आप क्वेश्चन क्या चाहता है, आपसे क्या निकलवाना चाहता है, आपसे चाहता है x(1) निकालना, निकाल दीजिए, देयरफॉर x(1) = क्या जाएगा, cos ऑफ जो, और एक मिनट, ये √3 होगा ना, राइट, सो √3 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा, क्योंकि ±3 आया, तो 3 का स्क्वायर √3 आई होगा ना, ये भी √3, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, ये भी √3, ये भी √3, ये हो जाएगा cos(√3). अब cos(√3) कितना आता है, निकाल के देख लो कैलकुलेटर में, आपका cos(√3) कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.99। सो करेक्ट आंसर इज चेक कर सकते हो, पॉइंट cos(√3) कितना आ रहा है, सो cos(√3) का cos(√3) 0.9, तो आपका करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को, क्लियर है चीज। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, आज की क्लास का क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन 2015 का है, क्वेश्चन आया था आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ है, प्रॉब्लम नंबर 6। क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dt² + 5dy/dt + 6y = 0 इज सच दैट y(0) = 2 एंड y(1) = -(1 - 3e)/e². द वैल्यू ऑफ dy/dt ऑफ 0 इज। सो आपको ये
क्वेश्चन में दिया हुआ था, एनटी टाइप क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो आपको हम वो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो कंप्लीट सॉल्यूशन से पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आपकी इक्वेशन दी है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 5 dy/dt प्लस 6y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और ये लिख सकता हूँ मैं डी टू स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 into y इक्वल टू 0। इसका मतलब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 बराबर 0। चलिए सोल्यूशन निकालते हैं। तो हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 बराबर 0। देयर फॉर एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एम प्लस 2 एंड एम प्लस 3 आपके क्या फैक्टर है, देयर फॉर एम इक्वल टू आ गया -2 एंड -3। दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, केस वन बन गया आपका, राइट। सो केस वन बन, जैसे केस वन आपको दिखाई दिया कि केस वन है, सो भी आप क्या कर सकते हो, तीन से केस वन बन गया, सो आपका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, सिंस राइट हैंड साइड जीरो था, सिंस राइट हैंड साइड जीरो था, राइट राइट हैंड साइड आपका जीरो था, सो एम इक्वल टू -2, -3 था, राइट। राइट हैंड साइड जीरो है, जनरल सॉल्यूशन आपका वाई इक्वल टू क्या आएगा, वो हो जाएगा c1e^(-2t) प्लस c2e^(-3t)। दिस इज इक्वेशन वन। नाउ अब क्या चीज दिया है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो व्हेन t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, तब करिए तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू c1e^(-2t) आपका क्या हो जाएगा 0, e^(-0, 0 हो जाएगा, राइट। एंड ये जो तो आपका यहाँ से आ रहा है c1 + c2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है पहला तरफ। अच्छा अभी क्या जाएगा, एक और कंडीशन दिया ना, वाई ऑफ वन भी आपकी वैल्यू दे रखी है, वाई ऑफ वन दिया है व्हेन टी ऑफ इक्वल टू 1 देन वाई इज इक्वल टू, आपको वैल्यू की कितनी की वाई की वाई गिवन है -1 - 3e/(-3). ये माइनस ऑफ, ये ऐसे दिया था ना, ठीक है। सो ये अगर ऐसे दिया होगा, क्योंकि सामने दिया हुआ ना, तो ऐसे आएगा ऑन में e^2, राइट, ठीक है। सो यहाँ से आपको वैल्यू पुट अप कर दी, सो ये हो जाएगा -1 - 3e/(e^2) इज इक्वल टू c1e^(-3) प्लस c2e^(-3), राइट, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, और हो गया -1 - TE/TE/(a)e³ है, तो यहाँ पे भी ई क्यूब हो गया आपका, ये भी ई क्यूब, तो ई क्यूब देखिए कट रहा है आपका ऑटोमेटिकली, सो ई क्यूब ये हो गया आपका c1 / e³ + c2 / e³, तो ई क्यूब कॉमन आपका आ जाएगा। सो और -1 - 3e इज इक्वल टू c1 प्लस, अच्छा एक चीज और सॉरी, -2 है ना, सॉरी -2t है, तो सॉरी तब ये नहीं आएगा, थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, यहाँ e² हो गया ई क्यूब, तो आप जब ई क्यूब का एलसीएम लोगे, इधर भी आपका ई क्यूब था, तो ई क्यूब से ई क्यूब कटा, एक ई ऊपर एलसीएम में चला जाएगा। सो आपकी सोल्यूशन क्या बन रहा है, e c1 + c2 = -1 + 3e, आपकी इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो, c1 + c2 = 2 भी दिया, राइट। सो अभी आप क्या करें, मैं माइनस कर दूंगा इसमें से पूरे को, तो ये माइनस आप करोगे तो क्या बनेगा, e c1 - c1 = -2 - 1, -2 - 1 आपका कितना हो जाएगा -3 + 3e + 3e, सो और c1 - e - 1 = 3 - e - 1, सो दिस इंप्लाइज c1 = 3। जैसे ही c1 3 आ गया, आप यहाँ पुट अप कर दो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको देयरफॉर c2 क्या हो जाएगा आपका, 2 - c1 दैट इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से देखिए आपको इक्वेशन मिल रही है, देयरफॉर इक्वेशन 1 अब क्या हो जाएगी आपकी, देखिए इक्वेशन 1 थी आपकी क्या,
ये थी इक्वेशन वन। सो यहाँ से आपको मिल रहा है वाई इज इक्वल टू सी वन की वैल्यू है आपकी थ्री थ्री ई रेस टू पावर -2t प्लस माइनस सी टू की वैल्यू नेगेटिव है -1 इंटू ई की पावर -3t इन ई की पावर -3t। सो ये आ गया आपका वाई की वैल्यू। और उसने क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, उसने आपसे पूछा है डीवाई बाई डी टी पूछा है एट टी इक्वल टू जीरो। सबसे पहले डीवाई बाई डी टी निकालना पड़ेगा। चलिए डीवाई बाई डी टी निकाल लेंगे, तो डीवाई बाई डी टी क्या हो जाएगा बताइए, ई एक की पावर एक्स का डिफरेंस होता है, ई की पावर एक्स होता है, हो जाएगा थ्री इंटू -2 इंटू ई रेस टू पावर -2t माइनस -3 इंटू ई रेस टू पावर -3t। तो ये देखिए क्या आ रहा है -6 ई रेस टू पावर -2t प्लस 3 ई रेस टू पावर -3t एट टी इक्वल टू जीरो। डीवाई बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस 3 इट इज इक्वल टू -3। सो करेक्ट आंसर इज -3। समझ में आया, क्लियर है चीज कैसे करना था क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था बट 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था, तो कोई इशू नहीं है आप कर सकते हो। तो ये बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लगा बट है बहुत ईजी है, बहुत सिंपली तरीके से आप फटाफट चाहते तो लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दिया था अ फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स बाई एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो वेयर एल इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर एल इज अ कॉन्स्टेंट, ऐसा क्वेश्चन है गिवन है। द बाउंड्री कंडीशंस, द बाउंड्री कंडीशंस आर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के एंड एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल टू जीरो। The solution of the given equation is, ऑप्शन आपको गिवन थे, पहला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्सपोनेंट ऑफ एक्स बाई एल, ऑप्शन बी दिया एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स बाई रूट ऑफ एल, ऑप्शन सी दिया एफ एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स बाई एल, एंड ऑप्शन डी गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाई एल। ये 2010 का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सोल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या दिया। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, कुछ नहीं करना है इसका, सोल्यूशन निकालना है। तो आपको इक्वेशन दे रखी है डी टू एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स बाई एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो और ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 बाई एल स्क्वायर इंटू एफ एक्स बराबर जीरो, देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जरा बताइए एम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, प्लस माइनस 1 बाई एल आएगा क्या, ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी आपकी, उसका रूट सही आएगा, ये आएगा राइट प्लस माइनस 1 बाई एल। तो अगर प्लस माइनस 1 बाई एल आएगा तो बताइए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा आपका। सो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इज सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर 1 बाई एल इंटू एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर -1 बाई एल इंटू एक्स, यही तो बनेगा आपको इक्वेशन एफ एक्स। अच्छा अभी आपको जैसे इक्वेशन मिल गई, आपको क्या करना है बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, बस बात करते हैं आपको आंसर आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, पहला दिया एफ ऑफ जीरो इक्वल टू के, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी वन और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी टू, ई रेस्ट फॉर जीरो वन होता है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन टू।
अच्छा इक्वेशन, एक और कोई कंडीशन दी है, कंडीशन दी है एफ ऑफ इन्फिनिटी दिया हुआ है। चलिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, एफ ऑफ इन्फिनिटी 0 दिया हुआ है। सो एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या हो गया आपका 0। चलिए पुट अप करिए, तो 0 इज इक्वल टू सी वन ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, क्या होता है ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी आपका 1, राइट ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी आपका 1 प्लस ई रेस्ट टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0, सी टू इंटू 0, दिस इम्प्लाई सी वन क्या आ गया आपका 0 के बराबर आ गया, राइट। सी वन 0 हो गया तो सी टू क्या हो गया आपका के बराबर आ गया, राइट। तो के आ गया तो इक्वेशन 1 में उठा पुटअप कर दिए सीधे, सो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा सिंपल। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू के ई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ एक्स बाई एल, दिस इज ओनली योर आंसर, राइट। तो देखते हैं आंसर क्या है, कौन सा आंसर सही था। तो डी जो करेक्ट आंसर, के एक्सपोनेंट ऑफ ई रेस्ट पर माइनस एक्स बाई एल। क्लियर है जी, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से। चलिए एक और कुछ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2015 में 2 मार्क्स क्वेश्चन है, पांचवी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू 0 विथ वाई ऑफ 0 इक्वल टू वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 इज, आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2 माइनस t ई रेज टू पावर t, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 2 प्लस t ई रेज टू पावर माइनस ऑफ t, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 प्लस 2 t ई रेज टू पावर माइनस ऑफ t, एंड थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन दिया है 1 माइनस 2 t ई रेज टू पावर t। तो ये आपके क्वेश्चन है, फिर सॉल्व कर दीजिए सिंपल वही तरीका। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन उठाया, उसको जनरल सोल्यूशन निकाला, पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिए डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी टी और प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 2 d प्लस 1 होल इंटू वाई इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो गई एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, सो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 बराबर 0, सो एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 इज आवर रूट, राइट। यही तो आपका रूट है, तो रूट्स क्या हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस 1 कॉमा माइनस 1, रिपीटिंग रूट होता है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, एक्स की जगह यहाँ पे टी आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी। ये तो होगा आपका इक्वेशन, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब उन्होंने आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या दी है कंडीशन, पीछे करिए कंडीशन आपको दे रखी है। देखिए पहला दिया वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, सो वाई ऑफ 0 मतलब वेन टी इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, पुट अप कर दिए इक्वेशन 1 में, देयर फॉर इक्वेशन 1 इज 1 इज इक्वल टू सी वन, सॉरी सी वन प्लस सी टू इंटू 0 इंटू ई की पावर माइनस 0, तो ये हो गया सी वन इक्वल टू 1 आ गया आपका यहाँ से। सो देयर फॉर आपकी नई इक्वेशन क्या हो गई, जनरल सोल्यूशन आपका आपका क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन आपका हो गया 1 प्लस c2t इन द ब्रैकेट e रेज टू पावर माइनस ऑफ t। इसका मतलब अगर आप देखें तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, या तो ये होगा या तो ये हो। अब देखिए आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बी आपका ये सी जो ऑप्शन आया है यहाँ पे यही ऑप्शन सही आएगा, देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं भाई। अगला ऑप्शन क्या दिया डी वाई बाई डी वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, सो डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए, वाई डैश क्या हो जाएगा, तो वाई डैश निकालना है, तो 1 प्लस c2t e रेज टू पावर माइनस टी माइनस कॉमन प्लस e रेज टू पावर माइनस टी इंटू सी टू हो जाएगा, राइट। यही तो होगा आपका इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है ये होगा। तो अगर मैं e रेज टू पावर माइनस टी कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, जरा देखिए यहाँ बचेगा आपका माइनस ऑफ 1 प्लस अब अगर हम इक्वेशन डालें व्हेन व्हेन
इक्वल टू 0, वाई डैश इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू, ये टर्म खत्म हो गया, यहाँ पे आपका -1 बचा, प्लस सही किया ना हमने डिफरेंशिएट। चेक कर लीजिए एक बार डिफरेंशिएशन सही हुआ ना, रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया हमने, 1 + c2 और टी बाहर आया, c1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका टी की वैल्यू, अगर आपने 0 को टक करी है तो ये हो गया -1 पर माइनस टी, अगेन आपका -0.1 हो जाएगा, वहां c2 आ रहा है, राइट c2 आ रहा है बिल्कुल सही। तो अगर हम देखें जो का सोल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है कुछ, ये हो गया वन टी इक्वल टू 0, वन टी इक्वल टू 0 तो ये टर्म आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, -1 बचा, ये हो गया ई रेस्ट पर -0.1, ई की पावर 0.1, यहाँ आ गया आपका c2 राइट। तो c2 की वैल्यू आपकी आ रही है क्या, क्यों c2 की वैल्यू भी आ रही है आपकी 1, c2 की वैल्यू अगर आपकी 1 आ रही है तो इक्वेशन आपकी बन के जो आ रही है वो आ रही है, वो आ रही है 1 + t ई रेस्ट टू पावर -t, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए बी नहीं है, देखने से लग रहा था वही होगा, क्या हमारे पास वो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया नहीं है शायद, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, गड़बड़ है या तो सोल्यूशन तो सही है आपके, वाई डैश 0 कितना दिया है आपको, कोई गड़बड़ लिखा गया, अच्छा वाई डैश 0 1 के बराबर है, सॉरी 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 सॉरी, वाई डैश 0 1 है ना, ये भी 1 होगा, जैसे ये 1 होगा तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, ये 2 हो गया तो 2 + t जीरो, क्लियर है। तो इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गेट में कभी भी क्या होता है, गलती हो जाती है, वैल्यू को नोट डाउन करनी है, जैसे अब यहाँ पे भी, ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10th है, 9th है जो भी है, कौन सा है, 9th है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9th, तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट 2015, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन दिया था कंसीडर, एनईटी टाइप क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2x by dt² + 3 dx by dt + 2x = 0 गिवन 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 x of 0 = 20, x of 1 = 10/e एंड e = 2.718, देन द वैल्यू ऑफ x of 2 इज, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, चलिए सेम वही कहानी, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपने इक्वेशन उठानी है, आपकी क्वेश्चन क्या है, d2x by dt² + 3 dx by dt और +2x = 0, ना ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² + 3m + 2 = 0, तो m² + 2m + m = 0, या रूट क्या हो जाएगा, तो m + 2 m + 1 = 0, देयरफॉर m = -2 and -1, तो आपका x = क्या आ गया, इक्वेशन हो गई आपकी x = जनरल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, x = c1e raised to power -2t + c2e raised to power -t, यही तो आपका जनरल सोल्यूशन बनेगा, मान लीजिए इक्वेशन बने, आपको कंडीशन दे रखा है x of 0 = 20, सो व्हेन x = 0 c1 + c2 = क्या है आपका 20 के बराबर, इसको मैंने माना इक्वेशन 2। एक और कंडीशन दिया है x of 1, जब x की वैल्यू 1 है तो सॉरी t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी दे रखी, सॉरी ये x = 0 नहीं था, वन t = 0,
जब एक्स टी इक्वल 1 है तो आपका एक्स इक्वल कितनी है, 10 बाई ई भी दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज चलते हैं। सो व्हेन टी इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू आपको 10 बाई ई दिया है, राइट? तो इक्वेशन 1 में पुट अप करें। सो ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये आपकी कंडीशन थी। सो मैंने रखा सी वन ई रेस टू पावर माइनस टू प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस वन इक्वल टू 10 बाई, और सी वन बाई ई स्क्वायर प्लस सी टू बाई ई इज इक्वल टू 10 बाई, और ये हो जाएगा आपका सी वन प्लस सी टू ई बाई ई स्क्वायर इक्वल टू 10 बाई ई। तो ई से स्क्वायर कट गया, सिंपल है आपको क्या मिल रहा है, सी वन प्लस सी टू ई इज इक्वल टू 10 ई। दिस इज इक्वेशन 3। व्हाट इज इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 हुआ सी वन प्लस सी टू इक्वल टू 20। सॉल्व कर दिए, तो सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू 20 एंड सी वन प्लस सी टू ई इज इक्वल टू 10 ई। माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो सी टू कॉमन, 1 माइनस ई इज इक्वल टू 20 माइनस 10 ई। देयरफॉर सी टू इज इक्वल टू 20 माइनस 10 ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। उन्होंने ई की आपको वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, ई की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी 2.718। तो पुट अप कर दीजिए, तो 20 माइनस 10 इंटू 2.718 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2.718। इसको सॉल्व कर दीजिए, चलिए सॉल्व कर देते हैं। सो अभी आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 20 माइनस 27.18 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2.718। तो ये करीब आ रहा है आपका 4.18। तो अगर सी टू 4.18 है, तो सी वन क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4.18, तो इट इज इक्वल टू 20 माइनस 4.18। सो इट इज कमिंग आउट टू 15.82। सो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, देयर फॉर कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या हो गया, पुट अप कर दीजिए अपने इक्वेशन 1 में सी वन और सी टू की वैल्यू। सो एक्स इज इक्वल टू, चलिए कंप्लीट सोल्यूशन आपका आ गया, सी वन की जगह आपका आया पहला टर्म सी वन है, सी वन की वैल्यू आ गई आपकी 15.82 ई की पावर माइनस टू टी, प्लस सी टू कितना आया आपका 4.18 प्लस 4.18 ई रेस टू पावर माइनस टी। सो ये तो हो गया आपका अब वैल्यू, राइट? अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है जब टी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। पुट अप कर दीजिए, नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू 15.82 ई रेस टू पावर माइनस 4 प्लस 4.18 ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में डालिए, ई ऑफ माइनस ऑफ 4, सॉरी ई ऑफ माइनस ऑफ 4 इंटू 15.82 और प्लस 4.18 इंटू ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 2। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.8566 इज योर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 0.85 या 0.86, जो भी आप चाहो तो वहां पे लिख सकते हो, टू डिजिट से 0.8566 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका तरीका होगा गेट में अपने आंसर्स को निकाल, क्लियर है चीज? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ फंक्शन, सॉरी अ फंक्शन, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 का है, अ फंक्शन वाई टी इज सच दैट अ फंक्शन वाई टी इज सच दैट वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर माइनस टी, सॉरी वाई ऑफ 1 दिया है, वाई ऑफ टी नहीं है, y of 1 is equal to 3 a raised to power minus 2 is a solution of
डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू जीरो, देन वाई ऑफ टू इज, आपको ऑप्शन दिए थे, पहला 5e रेज टू पावर -1, दूसरा 7e रेज टू पावर -1, तीसरा 5e रेज टू पावर -2, चौथा 7e रेज टू पावर -2। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, सेम वही कहानी, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी। चलिए आपकी इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो बताइए आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, राइट। सो अब आप रूट्स निकाल दीजिए, नेक्स्ट पेज चलते हैं। सो एम स्क्वायर और प्लस m प्लस m प्लस 1 बराबर 0, ये होगा। सो ये हो गया m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू -1, -1, राइट। -1, -1 आ गया, तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2t e रेज टू पावर -2। दिस इज योर इक्वेशन वन। अच्छा आप कंडीशन दिया y ऑफ 0 इक्वल टू 1, चलिए वेन t इक्वल टू 0 y इक्वल टू आपको दिया था 1, अप कर दिए, सो 1 इज इक्वल टू c1 हो जाएगा, राइट। ए होगा t की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0 1 हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन गई, वो बन गई y इज इक्वल टू 1 प्लस c2t e रेज टू पावर -t। तो दिस इज नाउ आवर न्यू इक्वेशन। नाउ अगली कंडीशन क्या दी है, जब t की वैल्यू 1 है y की वैल्यू इतनी दी हुई है। चलिए नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 e रेज टू पावर -t, टॉप कर दिए 3e रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1 प्लस c2 इन द ब्रैकेट e रेज टू पावर -1, यही तो होगा, ये भी -1 ही है, ये भी -1 है, e रेज टू पावर -1 से e रेज टू पावर -1 कैंसिल आउट, e रेज टू पावर -1 ही है, -t नहीं है, -1 ही है, ठीक है। सो -1 से -1 कैंसिल आउट, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस c2, देयरफॉर c2 इज इक्वल टू 2 आ गया, c2 2 आ गया था, कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2t e रेज टू पावर -t, राइट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, वो चाहता है y ऑफ 2, निकाल दो y ऑफ 2, देयर फॉर वेन t इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू e रेज टू पावर -2, 2 जो 4 1 5, तो 5 e रेज टू पावर -2, तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो भी गेट में क्वेश्चन आया है आप बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये 2016 का ही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 था आई थिंक। क्वेश्चन है लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -4 dy/dx +4y=0 विद द कंडीशंस, विद द इनिशियल कंडीशंस, विद द इनिशियल कंडीशंस y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स एट x=0 = 1, देन द वैल्यू ऑफ y ऑफ 1 इज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम वही कहानी। तो आपके क्वेश्चन दिए हुए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -4 dy बाई डी एक्स
4y इक्वल टू 0, तो और डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो बताइए आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। तो ये क्या है, एम प्लस 2 का होल स्क्वायर है, सॉरी एम माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एम माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर एम इक्वल टू 2.2, दो रूट आ गए आपके, दो भी रिपीटिंग रिपीटिंग रूट है, तो आपका क्या आ जाएगा बस बताइए। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू, क्वेश्चन किस में एक्स में है, तो एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी जनरल सोल्यूशन। अभी आपको जनरल सोल्यूशन मिल गया, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन मिल गया अभी आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन लगानी है। तो पहली कंडीशन दे रखी है क्या, देखिए क्या दी है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दी है, तो वेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, तो पुट अप करें जीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी वन, सी वन की वैल्यू जीरो आ गई, जिसे इम्प्लाइज आपका वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। नाउ दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है आपको, दूसरी कंडीशन दी है डीवाई बाई डी एक्स इज, सॉरी डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन, तो वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन दिया। तो सबसे पहले वाई डैश निकाले थे, तो वाई डैश क्या हो जाएगा सी टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर एक्स, राइट, मल्टीप्लीकेशन लगा दिया हमने, पुट अप करिए वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी टू खत्म, यहाँ हो जाएगा आपका सी टू की वैल्यू आ गई वन, क्योंकि ये तो टर्म आपका जीरो हो जाएगा, जैसे आपने वाई एक्स इक्वल टू जीरो रखा, ये आपका सी टू बचा, इक्वेशन आपके बनी वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स, राइट। अब उसको किसका वैल्यू चाहिए आपको देख लीजिए, मुझे वाई ऑफ वन चाहिए, निकाल दीजिए, देयर फोर वाई ऑफ वन इज इक्वल टू वन इंटू ई रेज टू पावर वन इक्वल टू ई, ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, सही आया ना, इक्वल टू वन कहाँ से आया हमारे पास, अच्छा टू था ना, ई रेज टू पावर टू एक्स हो जाएगा ये, अगर ये ई रेज टू पावर टू एक्स है तो यहाँ पे भी ई रेज टू पावर टू एक्स आएगा, यहाँ पे भी आपका ई रेज टू पावर टू एक्स आएगा, और यहाँ पे भी आपका टू आएगा, चलिए टू एक्स हो गया, तो ये आपका आ गया ई रेज टू पावर टू हो जाएगा, तो ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 2.7138 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2. समथिंग का होल स्क्वायर, तो ये 7.38 आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करके देखिए दैट इज 7.38 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सी एफ एन टी आई, सॉरी ओनली ओनली सी एफ, अगर क्वेश्चन है मतलब कि राइट हैंड साइड अगर आपका जीरो है तो कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, यहाँ से ये चीज आपको क्लियर होगी, समझ में आया चीज। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द सी एफ ऑफ डी फोर माइनस डी क्यूब, सॉरी माइनस 90 स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो आज की क्लास में सबसे स्टार्टिंग में इसको बताया मैंने कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं, चलिए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बता दीजिए, वही एम की पावर 4 माइनस एम क्यूब माइनस 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स तो जीरो नहीं आ रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो जीरो तो नहीं आएगा। चलिए इवन पावर का सम करते हैं, एक और इवन पावर का कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो इवन पावर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बताइए, वन माइनस 9 माइनस 4, तो ये आ रहा आपका कितना माइनस ऑफ 12। ऑड पावर के कोएफिशिएंट को निकालिए जरा, तो एम क्यू का कोएफिशिएंट वन माइनस 11 माइनस 1 है, एम क्यू का क्वेश्चन माइनस 11, 11 माइनस एम का क्वेश्चन माइनस 11, ये भी आ रहा माइनस 2। तो आपने क्या देखा, इवन पावर और ऑड पावर का वैल्यू सेम आ रहा है, अगर इवन पावर और ऑड पावर सेम आता है इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हुआ इसका मतलब आपको क्या मिलता है, इसका मतलब आपको मिल रहा है कि एम प्लस 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो एम प्लस 1 इज द फैक्टर, अगर एम प्लस 1 फैक्टर है आप लगा रही हारना सिंथेटिक डिविजन, हारना सिंथेटिक डिविजन कैसे लगा सकते हैं बताइए, पहले क्वेश्चन सारे लिख दीजिए, तो 1 फिर माइनस 1 फिर माइनस 9 फिर माइनस 11 फिर माइनस 4, कॉन्स्टेंट टर्म को हटाया, पहला जो रूट आया था वो लिखा, पहला रूट आया आपका माइनस 1, यहाँ 0 किया, इनको जोड़ा 1 प्लस 1 0, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 1 जो वैल्यू है उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ आ गया माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 आपका यहाँ आ गया माइनस 2,
फिर -2 × -1 2, तो यहाँ आ गया आपका 2, ये क्या हो गया आपका -7, -7 × -1 आपका आ गया 7, 7 और -11 -7 -11 +7 हो गया -4, -4 × +4 सॉरी -4 × -1 +4 + 4 -4 + 4 आपका 0 आ गया। ठीक है, अभी आपकी क्वेश्चन क्या बन गई, ये बन गई m³ - 2m² - 7m - 4। चलिए देखते हैं, अगेन देखिए और पावर के सम्स को जोड़िए, ये हो गया -1 - 7 - 6 आ रहा है, -2 - 4 - 6 आ रहा है, तो अगेन इसका रूट क्या हो गया आपका, अगेन इस इक्वेशन का आपका रूट आ रहा है, देखिए जरा इस वाले इक्वेशन का अगेन रूट आपका क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपने रखा 0, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 + 0 1, 1 × -1 - 1, -2 - 1 यहाँ पे आ गया आपका -3, -3 × -1 3, तो यहाँ पे हमने 3 पुट अप किया, -7 × 3 -7 - 3 सॉरी -7 + 3 -4, -4 × -1 4 आ गया, -4 + 4 अगेन 0। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो ये आपकी क्वेश्चन क्या बन रही है, जरा देखिए, ये हो गई m² - 3m + 4 = 0 सॉरी -4 = 0। अगेन देखिए यहाँ पे आपने ऑड पावर किया, ऑड पावर का सम आपका कितना आ रहा है, जरा देखिए -3, इवन पावर का 1 - 4 - 3, अगेन इसका सम क्या हो गया आपका, अगेन आपका सम क्या हो गया सॉरी रूट क्या हो गया आपका, एक और रूट आ गया m, अगेन आपका एक रूट आ गया -1, सो मैंने यहाँ -1 पुट अप किया, दिस इज 0, यहाँ आ गया 1, 1 × -1 आपके -1, -1 - 3 हो गया -4, -4 × -1 - 4 × -1 4, 4 - 4 आपका क्या आ गया यहाँ पे, अगेन 0 आ गया। अच्छा तो ये क्या बन गया m - 4 = 0, सो आपकी रूट्स क्या क्या मिले जरा देखिए, एक तो मिल गया -1, -1 -1 m - 4, सो रूट्स क्या आ गए आपके, तो रूट्स हो गए m + 1 × m + 1 × m + 1 × m + 4 इक्वल टू 0, सो रूट्स आर m = -1 - 1 एंड 4, तो ये सी एफ क्या हो जाएगा आपका, दैट इज या जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जनरल सोल्यूशन इज y = c1 + c2x + c3x² e^-4 - x + c4e^4x, इनके लिए रिपीटिंग रूट्स, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है, तो अभी आपको समझ में आया, अगर आपका राइट हैंड साइड जीरो होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे उनके रूट्स निकालोगे, और किस तरह के क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, वो भी हमने मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगा के आज की क्लास में अभी तक देखा हुआ। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसमें जिसमें हम बात करते हैं, जो आपका मेनली ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक बनता है आपका गेट में, तो या तो आपका डायरेक्ट आया था तो बहुत ईजी है, नहीं तो अगर राइट हैंड साइड दिया हुआ है तब तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मतलब कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड गिवन है उस केस में वो क्या करना, मतलब क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, ये आपकी क्वेश्चन क्या थी, आपकी क्वेश्चन कुछ ऐसी थी अगर आपको याद हो तो, a₀ d^n + a₁ d^n-1 a₂ d^n-2 + so on a⁴n² y = q था। अगर ये q₀ हो जाता था तब सी एफ ही सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था, बट अब क्या करेंगे, हम मानते हैं q एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हमारा एम अब ये होगा जहां पे q एग्जिस्ट करेगा, तो q एग्जिस्ट करेगा तो अब आपका जनरल सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, अब आपका जनरल सोल्यूशन होगा, काम आपका बढ़ गया, अब आप सी एफ जो पहले निकाल ही रहे थे तो वो तो निकालना ही है, साथ साथ आपको एक नया टर्म पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, दैट इज पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको निकालना पड़ेगा। एक बात क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, इनको कैसे करेंगे, इनको आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है, इनको देखते हैं। मान लेते हैं अब ये आपका एक फंक्शन क्या था, चलिए पहला टाइप इसमें देखिए, टाइप 1, ये क्या एक फंक्शन है d का ऑफ y, मान लेते हैं q एक फंक्शन आया आपका e⁻ax का, क्या है आपका e⁻ax का, ठीक है, सो आप पी आई कैसे निकालोगे, देखिए
आप पी आई निकालोगे कुछ इस तरीके से, कैसे? देयरफोर पी आई इज इक्वल टू 1/FD इनटू ई रेस टू पावर एक्स, वेयर दिस टर्म इज नोन एज इनवर्स ऑपरेटर। तो अब यहाँ भी आप यूज करोगे क्या, इनवर्स ऑपरेटर यूज करोगे और अपना पी आई निकालना शुरू। तो पी आई कैसे निकलेगा देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है देखिए, अब पी आई इक्वल टू ये लिखोगे 1/FD इनटू ई रेस टू पावर एक्स। ध्यान समझेंगे स्टेप को, क्या करेंगे नाउ, ये कब करना है, जब आपका यू क्या है, ई रेस टू पावर ए एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ। नाउ रिप्लेस डी बाई ए, सो आपका पी आई क्या बन के आना चाहिए, पी आई बन गया 1/FA ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है। सो आपका पी आई यही होगा कब, इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एफ ऑफ ए क्या है आपका, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करते हैं एफ ऑफ ए जीरो आ गया, तो पहली कंडीशन तो ये थी, आपने पहले क्या किया, आपने इन्वर्स ऑपरेटर लगाया, डी की वैल्यू ए से चेंज करी, आपका पी आई ये हो गया। पी आई की कंडीशन क्या थी, ये कब होगा, जब ए की एफ ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो के बराबर नहीं। बट सपोज करते हैं आपने जब ए वैल्यू पुट अप किया अपने फंक्शन में डी की जगह, तो आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ ए जीरो आ गया। नाउ इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन तब आपको क्या करना होगा, तब पी आई उस केस में क्या होगा, तब पी आई इज इक्वल टू, आप क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन आपको देन डिफरेंशिएट एफ डी एंड देन पुट एफ डैश, सॉरी देन पुट डी इज इक्वल टू ए, देन पुट डी इज इक्वल टू ए इन एफ डैश डी। तो पी आई उस केस में क्या हो जाएगा, 1/FD इनटू ई रेस टू पावर एक्स। कंडीशन क्या है यहाँ पे भी, इफ एफ डैश ए इज नॉट इक्वल टू, तो अगर एफ डैश ए जीरो नहीं होगा तो आपका पी आई उस केस में ये। सपोज करते हैं आपका, अगर आपका एफ डैश ए फिर से जीरो आ गया, अगर आपका एफ डैश ए फिर से जीरो आ गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट। तो अगर तब क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एफ डैश। नाउ नाउ इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो, देन 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 अब आपका टर्म क्या बन जाएगा, अब आपको हो जाएगा, अब एक्स से आप मल्टीप्लाई करो, एक बार और नीचे डिफरेंशिएट करो, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार ऊपर आपको अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। नाउ रिप्लेस डी बाई ए, देखो पी आई क्या हो जाएगा, अभी अब पी आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एफ डबल डैश ए ई रेस टू पावर एक्स, प्रोवाइडेड एफ डबल डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये प्रोसेस क्या होगा, आपका चलता ही चलेगा, चलता ही चलेगा। तो अगर इफ फिर से आए क्या, इफ एफ डबल डैश ए आपका क्या आ जाए, जीरो आ जाए, देन आप एक बार और डिफरेंशिएट करो ऊपर, एक बार और आप ये उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एफ ट्रिपल डैश ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है। देयर फोर उस केस में पी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सॉरी एफ ट्रिपल डैश डी, तब पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एफ ट्रिपल डैश ए इंटू ई रेज टू पावर एक्स, प्रोवाइडेड एफ ट्रिपल डैश ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन, इस तरह ही चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, इनवर्स ऑपरेटर लगाना है, डी जगह ए रखना है, डी जगह ए रखना है, चेक करना है एफ ऑफ ए जीरो आ रहा है कि नहीं, जीरो आ रहा है तो डिफरेंशिएट करिए, ऊपर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये प्रोसेस आपको क्या करना है, रिपीट कर दिया, बार बार आपको क्या करना है, रिपीट कर दिया, बार बार आपको क्या करना है, रिपीट कर दिया, बार बार आपको क्या करना है, ये चीज रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए इसी के वो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको ये चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, अभी इस समय मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पी आई निकाल लिया, सी एफ निकालने आ गए, चाहे चलिए कंप्लीट सोल्यूशन ही निकाल लेते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन ऑफ व्हाट, डी स्क्वायर -3D प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 3x, ये अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए जिसमें आपको राइट हैंड साइड भी दिया हुआ है, तो इसमें आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। चलिए पहले सी एफ निकालते हैं,
सी एस के लिए हमने अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, एम स्क्वायर माइनस 3 m प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 2 m माइनस m प्लस 2 बराबर 0, तो m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू 1,2, तो देयर फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू C1e^x प्लस C2e^2x, दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा अभी हमें क्या करना है, पीआई निकालना है। अब पीआई कैसे निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर गिवन फंक्शन। अब आपका फंक्शन क्या है, e^ax है, आप इनवर्स ऑपरेटर लगाओगे 1/FD, तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी इज दिस वन, तो डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 e^3x। मैंने क्या कहा, अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करो, एक बार इसको फैक्टर करो, फैक्टर किया 1/ क्या आ रहा था, d-1 एन d-2 e^3x। अब क्या करना है, पुट पुट d=3 एंड चेक f ऑफ 3 इज इक्वल टू, हो जाएगा जरा देखिए 3-1 3-2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका पीआई क्या हो गया, पीआई इज इक्वल टू हो गया e^3x डिवाइडेड बाय 3-1 इज 2 × 1, सो इट इज इक्वल टू e^3x/5। क्लियर है चीज, समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पीआई, कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन आपका आ गया सी एफ प्लस पीआई। सी एफ क्या था, C1e^x प्लस C2e^2x प्लस e^3x डिवाइडेड बाई, दिस इज योर कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आई चीजें, क्लियर है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? सो आज की क्लास में भी हमने क्या किया है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पीआई का समझा है, जिसमें हमने देखा कि e^ax अगर आपको गिवन होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। कल की क्लास में हम इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा, और जैसे अभी तो यहाँ पे क्या था, आपको डायरेक्टली आपने पुटअप किया, आपको वैल्यू 0 नहीं आई, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाँ भाई पीआई ऐसे निकालना है। तो आज के लिए आपके पास वर्क यही है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने सी एफ की जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको अच्छे से अच्छी बुक्स को उठाएं, उसको प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एक आइडिया बनेगा कि हाँ सी एफ निकालना है कैसे। सी एफ निकालने के बाद आज मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया कि पीआई क्या होता है और पीआई कैसे निकाला जाता है। पहला केस उसमें मैंने आपको बताया जब आपके पास फंक्शन कैसा होगा, e^ax का फंक्शन। ठीक है, तो कल की क्लास में हम देखेंगे e^ax के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, जहां पे आपका पहली बार वैल्यू पुट अप करने पे फंक्शन ऑफ डी 0 के बराबर हो जाएगा, तो कैसे हम डिफरेंशिएट कर करके अपने सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। उसके साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट जो टाइप है उसमें, अगर आपका e^ax आपके पास क्या आ जाए, sin e x आ जाए, कॉस बी एक्स आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तब क्या करेंगे, अगर मानते एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों कंबाइन आ जाए तब कैसे करेंगे, और अगर सपोज करते एक्सपोनेंशियल एंड एल्जेब्रिक आ जाए तो कैसे करेंगे। सो बेसिकली अगर कहने का मतलब क्या है, आपको कौन कौन से 5 टाइप पढ़ने, वो मैं यहाँ पे हेडिंग में बता रहता हूँ। तो आपको जो टाइप है, टाइप 1 है जब क्यू क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e^2। टाइप 2 होगा जो आपका, जो हम कल कर रहे हैं, दैट इज क्यू इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक sin ax cos ax। टाइप 3 इज क्यू इज आपका एल्जेब्रिक फंक्शन दैट इज x^ax, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सॉरी x^ax नहीं, x^n कुछ भी हो सकता है, और कोई पॉलीनोमियल ले सकता है ax² प्लस bx प्लस 2 एंड सो ऑन। टाइप 4 है आपका, क्यू में क्या हो आपका एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हो, मतलब दोनों कंबाइंड फॉर्म में हो, कुछ इस तरीके का e^ax x रेस टू पावर n, इस टाइप का। और टाइप 5 है जो आपका, वो होगा
क्यू होगा एक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ए एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो ये पांच टाइप के क्वेश्चंस हम टॉपिक में हमने पढ़ेंगे धीरे धीरे। कल की क्लास में हम ट्राई करेंगे इन दो टॉपिक टाइप वन और टाइप टू के क्वेश्चंस और उनका कॉन्सेप्ट समझने की। टाइप वन ऐसे ऑलरेडी मैंने आज करा दिया है, उसके ऊपर कल हम अच्छे सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, साथ ही साथ टाइप टू के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।